भ्राता श्री सुशील यादव जी, भ्राता श्री सुशील यादव जी हमें बड़ा सुंदर हार भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे, हे प्रभु हमारे भैया की थोड़ी बुद्धि ठीक बनी रहे, जीवन में कोई कष्ट कलेश न हो, आंगन में मंगल की बधाइयां बजती रहे। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन लला नीचे बैठ जाओ, तुझे कहीं ठाड़े बैठ जाओ लला। समझाया है राजन परीक्षित, रुक्मणी सात शब्दों में कह दिया, मैं रुक्मणी की शादी अपने शाले शिष्यपाल के साथ करूंगा। पैर पटकता हुआ चला रुक्मणी के पास पहुंचा, है रुक्मणी मैं तेरी शादी अपने शाले शिष्यपाल के साथ कर रहा हूं और पिताजी तेरी शादी कन्हैया के साथ कर रही है, बता तुम किनके संग शादी करोगी? शिष्यपाल के साथ में शादी करोगी तो महारानी बनोगी, और कन्हैया के साथ शादी करोगी तो ग्वालिनी बजोगी, ग्वालिनी समझी? श्रोता बंधु, तो रुक्मणी धीरे से बोली, भैया हमारे बूढ़े पिताजी हैं, जैसी भी कह रहे हैं तैसी मान लो। आगे बढ़ के रुक्मणी, मुझे मालूम पड़ना सरम जाते की बसुरिया तूने भी सुन ली, देखता हूँ तेरी चलती है या मेरी चलती है या तेरे बूढ़े बाप की चलती है। रुक्मणी कहने लगी, भैया चाहे तो हमें और मारो, चाहे हमारी दोनों आंखें निकाल ले, लेकिन हम शादी कन्हैया के संग करें। और कहा बोली, ऐसी हम चाहत हार नहीं जो आज होने चले और को चाहे, समझे? और ये किस मुद्राएं शीलू भैया जी भेंट कर रहे हैं, विमल कुमार छोटा सा बच्चा है, इसी के उपलक्ष्य में ये विमल कुमार पंडेश्वर है, हाँ ये छोटा सा बच्चा है, इसी के उपलक्ष्य में ये भागवत का आयोजन किया गया है, धन्य है। हाँ शुरू का बंधु वो तो चले लला, सबको दया और बचना तो हमको दे दियो बाद में। श्रोता बोली, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, है राजन परीक्षित, समझा करके काहे रुक्मणी, देखता हूं तेरी चलेगी तेरे बूढ़े बाप की या फिर मेरी चलेगी। आज लोग उसी समय रुक्म पैर पटकता हुआ चला गया, रुक्मणी रोती रही और कहा बोली, कन्हैया तुम्हारे पीछे मेरे भैया ने मेरे तमाचा मार दिया, लेकिन कन्हैया शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ नहीं तो मर जाऊंगी। और क्या बोली है,
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, आज लोग रुक्मणी रोती रही और वही लेट गई, सोई गई। हाय जैसी सोई है तैसी भगवान कन्हैया सपने में आए गए, सपने में। हाँ, रुक्मणी सोई रही है और भगवान सपने में आए गए लोग, और आए के पास में बैठ गए। तो रुक्मणी ने तो मन में जय समझी है कि कन्हैया साचू मां चाहिए, लेकिन भगवान सपने में आए कि रुक्मणी से कहा, बोले रुक्मणी रुक्मणी क्या बोले भगवान, श्रोता बंधु भगवान इतना के चले गए और जैसे कन्हैया चले रुक्मणी जी पड़ी एकदम बोली, कन्हैया तुम कहाँ चले गए, अभी तो तुम मेरे पास थे, कहाँ चले गए श्याम? उन्हें का मालूम सपनों है, सपनों है लोग। तो रुक्मणी जो है सपने पे झुंझलाए के बोली, अरे सपना तू नहीं हुआ अपना है। रुक्मणी कहे समझाए के मेरे करो कलेजा छेद, और जब सोती थी तब दुई जने जब जागी तब तो सपनों कुन्ना में से बोलो के ओरी रुक्मणी की सपनों के घबराए के तो क्यों मर गई है मोई, कोई तनी दूर तेरो पिया बस है मैंने रात मिलाए दो। रुक्मणी लोग रो रही है श्याम की याद करके रो रही है रुक्मणी। श्रोता बंधु श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षक, बहन रुक्मणी आंगन में बड़ी परेशान है। इधर रुक्म पहुंचा है दरबार में, नाई पंडित को बुलाया और पत्र लिखने लगा है लोगों। पत्र अपने शाली शिष्यपाल के लिए क्या लिखा, श्री राम
और ये विशेष यादव जी, विशेष यादव जी शनोब श्रीमान श्री राजेश यादव जी पावन ग्राम दूती खुर्द विधायक के रूप में हमें 101 मुद्राएं भेंट की है। भगवान कन्हैया से मैं तो केवल यही कामना करूंगा प्रभु धन के भंडार बढ़ते रहे। आप शुरू पत्र नई ब्राह्मण को दिया, चंदेरी का सीधा रास्ता बता दिया। ये चंदेरी कहा है लोग? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जिला अशोक नगर में। कहा है? सीधे चले जाओ। आज नई पंडित चले हैं शिष्यपाल के दरबार में पहुंचे, वो पत्र दिया है कोर्ट। जैसे ही लोगों पत्र पढ़ो एकदम से शिष्यपाल की खुशी को लोग ठिकानो नहीं रहो। हाँ बहुत खुश हो, पर लेकिन जैसे ही कन्हैया को नाम लिखो वो देखो बोले वाह भाई रा, उस कन्हैया की इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे सामने आए अपने भैया दंत बकर से ये कहा है अब तुम फौजे तैयार करो और हम बारी के दिन जा रहे हैं दूल्हा बने दूल्हा बने। लोगों भैया सेना सजाए रहो है और देख ले लोगों दूल्हे बनवे को चलो है शिष्यपाल। भाभी किस पास समझाए बोलो भाभी भाभी वे भाभी देवर हो अजय बोलो राम वाला बंद कर लो क्या कह रहे भाभी हमें दूल्हा बनाए दे। क्यों शादी करें? शादी हाँ के लला तेल ना ताई पूरी ना पापरी बहु घरे घर रहे परी। भाभी एक बात कहे बिल्कुल हमारे बहनों ईशा बहन हमारे बहनों ईशा वे जो है वे अपनी बहन की शादी हमारे संग में कर रही है और तुम नहीं जानती रुकमणी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। भाभी समझी कि नहीं समझी? हाँ और ये भ्राता श्री सुशील यादव जी, भ्राता श्री सुशील यादव जी उनकी धर्म पत्नी हमें ये 5 वस्त्र भेंट कर रही है और 21 मुद्राएं। मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ इन माता बहनों के पैरों की मिट्टी जो हमारे मस्तिष्क पर चमक रही इसी प्रकार से सलामत रहे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट कलेश न हो, आंगन में मंगल की हमेशा बधाइयां बरसती रहे। और ये हृदय सिंह के सुपुत्र कदम ये हमें विदाई के रूप में मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा प्रभु सद बुद्धि प्रदान करें। और ये भ्राता श्री रंजीत यादव, भ्राता श्री रंजीत यादव उनकी माता जी और इन्हीं के स्वजन से हमारा यहाँ आना हुआ है और आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं। इन्हें हमारी मार्केट खोल दी ये माता जी हमें 101 मुद्राएं विदाई के रूप में दान कर रही हैं और 11-11 मुद्राएं हमारी सभी साथी श्रोता बंधु। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित शिष्यपाल बोलो भाभी अब तुम्हें शुक्र देर मत करो हमें दूल्हा बनाओ। हैं तो भाभी कहने लगी लला एक बात बताओ दूल्हा तो हम तुम्हें बनाए दे लेकिन लल्ला बरात के संग संग फौजे काय को सज रही है। शिष्यपाल कहने लगा भाभी अरे वो द्वारिका का कन्हैया भी आ रहा है। भाभी बोली वो लल्ला तो जब तक मत जाइए तो लल्ला तू लौट के ना आए दुल्हन की तो बातें छोड़ो। और कहा बोली अरे देवरा मती जाओ न रुकमणी की बातें छोड़ दो लल्ला तुम लौट के ना रक्षस पार कहने लगा भाभी बुद्धि खराब है क्या बोला मुंह बंद करके खड़ी रहो खाली हमें केवल दूल्हा हाँ दूल्हा हाँ। और भाभी बोली लल्ला
मोहल्ला से दो चार बिटरियन गुटेल लाई और दूल्हा बनाई रही भाभी एकदम से लोगों घर में घुसी आई और भीतर कुन्ना में मुंह दे के खूब खूब हसी दे कितना बड़ो पागल है सिर दिए बहन के संग में जाए रू है। लड़की आई दूल्हा बनाने लगी श्रोता बंधु ऐसा है श्रीमान श्री सुरजन सिंह यादव जी पावन ग्राम सूरजपुर के रहने वाले हैं। ये बाबा हमें 101 मुद्राएं विदाई के रूप में दान कर रहे हैं। मैंने आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ बुजुर्ग है, मैं तो भगवान से एक ही कामना करूंगा बल्कि इन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट कलेश न हो। श्रोता बंधु श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, भाभी दूल्हा बनाई रही है दूल्हा है शिष्यपाल को काजल लगाओ लोगो भाभी ने जब दूल्हा बन के तैयार भो है श्रोता बंधु तो भाभी कान लगी लला भे मान जाओ मत जाओ मत जाओ
है।